अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर बात की जाए गूगल मैप की, तो इसकी वजह से हमारी जिंदगी काफी आसान हो गई है। हम इसकी मदद से अपने मंजिलों पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल मैप पर रिकॉर्ड हुए कुछ अजीब नज़ारों की, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरपूर वीडियो आप मिस ना कर पाए। पुतलों का दोस्तों, जापान के एक छोटे से गांव नागोरू को अगर आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो आपको यहां का नज़ारा देखकर झटका जरूर लगेगा, क्योंकि यहां आपको इंसानों की बजाय हर तरफ कपड़ों से बने हुए पुतले दिखाई देंगे। दोस्तों, दरअसल ये पूरा कारनामा अयानो नाम की सूरत का किया दड़ा है, जो कि कई सालों बाद अपने गाँव वापिस लौटी तो उसने देखा कि यहाँ के बहुत से लोग मर गए हैं और कुछ लोग गाँव छोड़कर चले गए हैं, जिसकी वजह से ये गाँव पूरी तरह से वीरान हो गया। ऐसे में यहाँ अयानो अकेली ही रहने लगी। दोस्तों, उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पहले उसने अपने फादर का एक पुतला बनाया, और फिर अपने बाकी सभी फैमिली मेंबर्स के, और फिर बाकी उन सभी लोगों के जिन्हें वो जानती थी। दोस्तों, फिलहाल यहाँ भूतिया जगहों पर घूमने के शौकीन लोग देखने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि इन पुतलों की तादाद रातों रात ज्यादा हो रही है। खूनी झील। दोस्तों, ये है गूगल मैप पर देखा गया इराक की एक झील का डरावना नज़ारा, जिसका पानी सन 2003 में बिल्कुल खून की तरह लाल रंग का दिखाई दिया। दोस्तों, उस वक्त कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद कचरे या किसी केमिकल के मिलने की वजह से झील का पानी लाल हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के मुताबिक सन 2003 में इराक में चल रही एक जंग के दौरान जानवरों और फौजियों की लाशों को इस झील में बहाया गया था, जिसकी वजह से इस झील में पानी कम और खून ज्यादा हो गया। जी हाँ दोस्तों, इंसानी खून से भरी हुई एक असली झील। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल इस जगह को सर्च करने पर आपको ये झील लाल नहीं दिखेगी, क्योंकि कुछ सालों बाद इस झील को साफ करवा दिया गया था। शैतान का चेहरा। दोस्तों, एक अमेरिका के रहने वाले ने गूगल मैप पर एंटलाटा की एक जगह को सर्च करते हुए देखा कि यहाँ की जगह ऊपर से देखने पर बिल्कुल एक चेहरे की तरह नजर आ रही है, चेहरा भी ऐसा कि जिसे देखकर किसी राक्षस या शैतान की याद आ जाए। दोस्तों, इसके बारे में कुछ लोगों का कहना था कि हमारा दिमाग किसी भी चीज में चेहरे ढूंढने लगता है, और ये महज सिर्फ रोशनी और परछाई का खेल था, जिसकी वजह से हमें यहाँ चेहरे की बनावट दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जब इस तस्वीर को वहाँ के लोगों ने देखा तो उन्होंने कुछ ही दिनों में इस जगह को पूरी तरह से बदल डाला। अब ऐसा उन लोगों ने शैतान के डर से किया या फिर किसी और वजह से, इस बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। गुमशुदा आइलैंड। दोस्तों, गूगल अर्थ पर लोग ना सिर्फ नई चीजों को देखते हैं, बल्कि ऐसी चीजों की तलाश भी कर लेते हैं जिस पर आज तक किसी और की नजर ना पड़ी हो। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स ने कुछ सालों पहले किया था। उसने एक ऐसे पूरे सरार आइलैंड को तलाश करने की कोशिश की, जिसका जिक्र पुराने दौर के कई नक्शों में किया गया था, लेकिन उस नाम का असल में कोई आइलैंड था ही नहीं। इस शख्स ने न्यू कैलिडोनिया के एक इलाके में इस गुमशुदा आइलैंड को देखने का दावा किया, जिसे कुछ दिनों बाद गूगल अर्थ पर इस जगह के एन ऊपर एक काला धब्बा दिखाई देने लगा। गूगल का कहना है कि ये एक टेक्निकल ग्लिच था, जिसको अब सही कर दिया गया है, और यहाँ कोई आइलैंड कभी था ही नहीं। ऐसे ही सैंडी आइलैंड को कई लोग खोया हुआ आइलैंड भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे गूगल मैप पर देखे गए कुछ अजीब नज़ारे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे एक लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।